जाति व्यवस्था में कुरीतियों और जातियों के विखराव की मर्मस्पर्शी कहानी बयां करती हैं ये पुस्तकें। हिंदू चर्मकार जाति, हिंदू वाल्मीकि जाति और हिंदू खटिक जाति, यही वो किताबें हैं जिनके माध्यम से विजय सोनकर शास्त्री ने इन जातियों के गौरवशाली अतीत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। एक समारोह में इन किताबों को पाठकों को समर्पित करने की कोशिश की संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, जिन्होंने कहा कि समाज का हर तबका सम्मान का हकदार है, अगर समरस समाज बनाना है तो भेदभाव को मिटाना होगा। आत्मीयता और सम्मान के अभाव में ये पिछड़ा बनाया, अवसरों से वंचित रहे, विकास से वंचित रहे, और इसको मूल में से हटाना है तो उस आत्मीयता और सम्मान की प्रतिष्ठापना फिर से करनी पड़ेगी। ये अनुसूचित मानी जाती है, ये राज्य कर रहे थे सब, ये अनुसूचित कैसे हो गए? इस देश के भीतर जब जब जहां जहां संघर्ष हुए, संघर्ष होता गया और वे सब जातियां, हमारी जो भारत की जातियां थी, मार्शल काम थी, ये सब की सब ये हमारे यहां पर अनुसूचित जातियों में शामिल होती चली गई। आज 15% ये कौन है? ये मार्शल काम है इनमें से सब। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजनीति में जाति के आधार पर मतदान का प्रचलन बन गया था, लेकिन 2014 के क्रांतिकारी लोकसभा चुनाव ने जाति की दीवार गिरा दी। यह बहुत सुखद एहसास है कि समाज में बदलाव हो रहा है। 2014 के चुनाव एक क्रांतिकारी चुनाव लगते हैं सामाजिक संदर्भ में भी, कि जब ये जाति पाति के बीच में बनी दीवारें जो 30-40 साल में और मजबूत होती थी एक ही धक्के ने मोदी के नेतृत्व में गिरा दिया। शास्त्री जी की एक पुस्तक ऐसी है जिसमें शीर्षक में ही लिखा है कि एक गौरवशाली इतिहास का सिंहावलोकन हो रहा है। विजय सुनकर शास्त्री ने तीनों पुस्तकों में चर्मकार, वाल्मीकि और खटिक जातियों का शोध परक इतिहास और इनकी कार्यशैलियों को अतीत और वर्तमान के झरोखे में समेटने की कोशिश की है। विकास कितना भी कर लिया जाए लेकिन पहचान तो दलित का दलित रहेगा। अगर देश का राष्ट्रपति भी दलित बन जाता है तो दलित राष्ट्रपति के नाम से ही उसकी आइडेंटिटी बनती है। है क्या ये समस्या? ये केवल और केवल सामाजिक समस्या है। विजय सोनकर शास्त्री ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी के साथ शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने सामाजिक न्याय और समरसता के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आरएसएस सामाजिक समरसता की बात शुरू से करता रहा है। जाति व्यवस्था पर विजय सोनकर शास्त्री की इन पुस्तकों से आरएसएस ने जाति व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की है। अगर इसमें कामयाबी हाथ लगती है तो ये मील का पत्थर तो साबित होगा ही, इसे बड़े बदलाव और नए सूत्रपात के रूप में भी देखा जा सकता है। कैमरामैन विजय कुमार चंदेल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।